बीजेपी ने केवल और केवल 10 साल उनको जनता ने दिए, ऊपर भी नीचे भी, और उन्होंने कुचला लोगों को। और आज के दिन आप देखिए कि पूरा विश्व अब अमेरिका तक बोलने लग गया है कि किस प्रकार से चीफ मिनिस्टर हमारे एक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने क्या किया है, जहां पे वो अपराध उनका प्रूव भी नहीं हुआ है और रातों रात किस प्रकार से उनको उठा के ले गए, उसी प्रकार से हेमंत सोरेन जी के साथ ये किया गया है और इंटरनेशनली ये अब बात शुरू हो गई है। तो बीजेपी ने सिर्फ आज के दिन क्या बात करते हैं, कोई मुद्दों पे तो वो है ही नहीं, सिर्फ कहते हैं हम 400 पार, आप उनसे कोई बात पूछिए तो कोई मुद्दे की बात नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, व्यवस्था की बात नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करते, सिर्फ एक बात बोलते हैं 400 पार। तो इस प्रकार से तो लोकतंत्र है, अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। तो लोग जो हैं, ये जो चुनाव है ये किसी दो व्यक्तियों में नहीं होता, केवल सिर्फ पार्टियों में नहीं होता, ये विचारधारा का चुनाव है और लोगों का चुनाव है। लेकिन बीजेपी कहते हैं कि घोटाला किया है, घोटाले की जांच की जा रही है, अगर कोई गलत करेगा तो उसको सजा होगी। जांच करवाने वाले भी तो यही है ना, इनके हाथ में सब कुछ है तो जांच करवाने वाले भी यही हैं। तो ये कांग्रेस का टाइम तो है नहीं, या कोई जब लोकतंत्र बिल्कुल सुरक्षित था, जब जहाँ इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो इंस्टीट्यूशंस थे वो अपना काम करते थे, तो इनके नीचे तो कोई सारा की सारा सिस्टम खराब हो गया है।